आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला चौनपुर प्रखंड के अंतर्गत चैनपुर ब्लॉक के प्रमुख ऑफिस में मैं मौजूद हूँ। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी नए नए विश्वास मत के द्वारा चुनी गई रिंकू देवी जो ब्लॉक प्रमुख बनी है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, और उप ब्लॉक प्रमुख बने हैं कन्हैया सिंह, डॉक्टर कन्हैया सिंह, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि जो आप लोग ने 2.5 साल बीतने के बाद विश्वास मत से अभी 18 तारीख को आपको कोर्ट से जीत मिली है, उस जीत का पहले हमारे तरफ से बहुत बधाई हो। मीडिया के जितना भी हमारे उपस्थित यहाँ पे पंचायत समिति सदस्यगण हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो हम लोग को जीत मिली है वो हम लोग के बहुत लड़ाई लड़ने के बाद, एक मुद्दा के बाद हम लोग को जीत मिली है। क्यों ये आपको लड़ाई लड़ना पड़ा? हम लोग को 11/15/2024 को हम लोग का अविश्वास प्रस्ताव हम लोग का पारित हुआ था चैनपुर ब्लॉक में, जिसे 1+ के जगह क्रॉस करा गया, क्रॉस के जगह प्लस कर कर उसको गलत ठहरा कर उसको इस मामला को तूल पकड़ा गया, हाई कोर्ट में तक पहुंचाया गया। उसके बाद हाई कोर्ट में हम लोग लड़े, हम लोग के पक्ष में फैसला आया, हम लोग चुनाव हुआ, हम लोग निर्विरोध चुनाव जीते, उसके बहुत बहुत मीडिया की तरफ से बधाई और अपने पंचायत प्रमुख जो जीतने के बाद जी आप अपने ब्लॉक में पहला कदम आपका क्या होने वाला है विकास की तरफ? पहला तो हम लोग जितना भी पहले तो यहाँ पे बहुत सुंदर एक चौगेट बनवाएंगे, पहला विकास हम लोग का यही सोचे कि ब्लॉक के पास एक चौगेट निर्माण होगा, उसके बाद ब्लॉक का जितने भी साफ सफाई और हमारे समिति गण का 2 साल में कुछ विकास नहीं हुआ है, वो हम लोग पहले विकास के मुद्दा पर ले चलेंगे और जो भी कार्य होगा उसको पूर्ण गति से हम लोग करेंगे। क्या 2.5 साल जो आप जिस ब्लॉक प्रमुख के साथ में रहे हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा? और वो देखिए, वो तो कार्यकाल जो भी किया वो अनदेखी किए हैं, हमारे जो भी जितना भी हैं पक्ष विपक्ष किए हैं, कुछ लोग को काम दिए हैं, कुछ लोग को 0 पर भी नहीं दिए, वो हम लोग को सब देख कर हम लोग को चलना है, जिसका काम हुआ है जिसका नहीं हुआ है सबको देखेंगे, जिसका नहीं हुआ है उसका हम लोग करेंगे। कहीं ना कहीं आप जो बोलना चाह रहे हैं कि जो पिछले प्रमुख थी वो पक्षपात कर रही थी और कहीं ना कहीं सबको एक निगाह से सिलसिलेवार नहीं देख रही थी, नहीं, जिसकी वजह से आपको ये सत्ता परिवर्तन करना पड़ा। हाँ, वो एक निगाह से सब जितने कैसों समिति हैं उनको एक नजर से नहीं देखा गया। तो अब क्या नया आप क्या करना चाहते हैं अपने प्रखंड में? अपने प्रखंड में हम यही कहना चाहते हैं कि जिसका काम अपूर्ण है उसको पूर्ण करेंगे, और जो लोग अभी तक प्रमुख के ऊपर उंगली उठाते आए हैं कि ये काम बाकी है वो काम बाकी है पंचायत में, उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? गहन जांच से हम लोग देखेंगे, देखने के बाद जो हम लोग को समझ में आएगा। जो आप लोग के लड़ाई में जो जनता पीसी गई है, कहीं ना कहीं जनता का काम काफी डिस्टर्ब हुआ है, उसको लेकर के आप जनता से क्या मांग रखना चाहते हैं? जनता का उम्मीद को हम लोग कोशिश करेंगे जहाँ से जहाँ जितना से जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग मेहनत करके जनता का काम और विकास करेंगे। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से प्रमुख जी हैं रिंकू देवी, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ये जो आप पहले तो हमारे तरफ से जीत की आपको बहुत बधाई हो, क्या बोलना चाहती है अपने पंचायत के जनता के लिए? हम बोलना चाहते हैं कि जल्दी हमारे पंचायत समिति से उसका हम सेवा करेंगे। हमारा रिंकू देवी, हम पंचायत से चैनपुर प्रखंड से मैं प्रमुख। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वो तो लेडीज हैं, नहीं बोल पा रही हैं अच्छे से, मैं उप प्रमुख जी से ही मैं विशेष बातचीत करता हूँ। प्रमुख जी, उप प्रमुख जी, ये बताइए कि जो आपके साथ विडीसी हैं कितने लोग अभी साथ सम्मिलित हैं? हम लोग 12 उपस्थित हुए हैं यहाँ पे। आज किस वे में लेकर के बैठे? आज तो हम लोग का पहला बैठक जी। क्या क्या पारित होने वाला है इसमें योजना? इसमें नल जल जो भी गली नली जो भी योजना पारित होगा वो हर अधिकारी के सामने ही होगा, जिसका काम पूरा है अधूरा पड़ा है नहीं हुआ है उसका काम हम लोग पूरा तरह से करेंगे। जिस आप लोग के दोनों प्रमुख के लड़ाई के बीच में जो जनता का हानि हुआ है उसको किस तरह से भरपाई करेंगे? तो किसी तरह हम लोग क्षतिपूर्ति को पूरा करेंगे। कैसे कैसे कुछ बताइए? अरे कैसे का, जो ब्लॉक का काम रुका हुआ है 10 महीना से रुका है, जो पैसा है जहाँ हम लोग जहाँ जहाँ देखेंगे ज्यादा हो सकता है वहाँ हम लोग देंगे, पूरा करने का काम करेंगे। और क्या जनता का विश्वास है कि हम लोग पूरा करेंगे। किस तरह से अपने जनता का आभार या अपने जो विदेशी हैं या आपके संग जो लड़ाई लड़ने वाले जो सदस्य हैं पंचायत सदस्य, उनका किस तरह से आभार प्रकट करना चाहते हैं? अरे उनको बहुत बहुत हमारे तरफ से बहुत जो हमारे तरफ से हम लोग मैंने खुल कर एक तरह से 10 महीना में अपना काम धाम छोड़ कर हम लोग यहाँ से पटना से किसी तरह हम लोग वहाँ से जीत हासिल कर कर और कोर्ट से निर्वाचन से और पंचायती राज से दौड़ धूप कर हम लोग डेट ला कर चुनाव करा दिए, इसके लिए तो हमारे 11 का 12 जनता हमारे संग मर मिट गया है और कुछ भी काम नहीं हुआ, हमारा हाल उसको हम लोग पीछे नहीं छोड़ेंगे, उस काम को हर तरह से
पूरा करेंगे, हमारा वादा है। चैनपुर की जो जनता हमारे चैनल के माध्यम से सुन रही हो, क्या उम्मीद रखे कि वो जो उम्मीद लगाए बैठी है नए ब्लॉक प्रमुख से वो खरा उतरेंगे? हाँ एकदम उतरेंगे, उसका 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 हम सम्मान करेंगे और उसका हम काम पूर्ण करेंगे, ये हमारा भरोसा विश्वास। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सुंदर रहने के लिए। आइए उधर रामपुर से भागवन के बीटीसी आसिफ मोहम्मद आसिफ हमारे संग जुड़े हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो आपने ये 2.5 साल के बाद विश्वास मत पारित करने के बाद जो आप जीत हासिल किए हैं, आखिर ये आपको क्यों करना पड़ा? बहुत बहुत अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के बंधुओं को हम अपना बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को ये मौका ये अवसर बहुत दिनों के बाद मिला। अगर भी हम लोग काम बाधित रहा 2 साल कार्यकाल में, हम लोग का सरकार नहीं रहा, हम लोग विपक्ष में रहने की वजह से हम लोग का काम बाधित रहा, हम लोग का जनता का काम नहीं हुआ। एक भी योजना आपके पास नहीं हुआ? एक दो काम हम किए हैं लेकिन जो है कि सफल नहीं हुआ, वो भी सफल सफल नहीं हुआ। तो क्या अभी कहना चाहते हैं, जो अभी आपका जो अभी सत्ता तो अब आप लोग जीत चुके हैं, तो अब क्या करना चाहते हैं अपने पंचायत के लिए? अब अपने पंचायत के लिए यही सोचे हैं कि जो भी काम हमसे जहाँ तक होगा संघर्ष, हम अपने काम को पूरा करेंगे और लोगों को मांग को सुन के और धरातल पे उसको पूरा करने का काम करेंगे, पंचायत की जन उम्मीदों पर खरा उतरने का काम, खरा उतरने का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। करजावा पंचायत से बबिता देवी हमारे संग जुड़ी है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ये जो विश्वास मत पारित करके आपने सत्ता परिवर्तन करने का काम किया है तो क्यों किया? बोलिए बोलिए पकड़िए बोलिए। हम लोग इसलिए किए हैं कि हम लोग का पहले का 2.5 साल से हम लोग का कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए हम लोग कोर्ट से आज हम लोग केस कर यहाँ पर आज लोग हम विजय प्राप्त किए हैं। हम लोग को यह इतनी खुशी मिली है कि हम लोग का कोई खुशी का ठिकाना नहीं है। क्यों आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? इसलिए क्यों करना पड़ा कि हम लोग का पहले का प्रमुख जो था, लेकिन हम लोग का कुछ भी नहीं दिए, काम भी नहीं दिए, हम लोग का मान सम्मान भी इज्जत भी नहीं किए। हम लोग आते थे यहाँ पर कभी 2.5 साल के दिन में हम लोग एक दो बार कहीं आए, लेकिन हम लोग का कुछ भी नहीं किया, इसलिए हम लोग का इतना लड़ाई लड़ता हम यहाँ पर, हम लोग का यहाँ पर जनता क्या उम्मीद रखे आपसे, आपकी पंचायत की जनता का विकास होगा? हाँ विकास हम लोग का सब लोग का करेंगे, हम लोग पक्ष ले हैं या विपक्ष ले। 2 महीने बाद में आपके पंचायत का सर्वे करूंगा, सब करूंगा मैं, सर्वे करूंगा कि पंचायत में विकास किया कि नहीं। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने का।